कंचन देवी फिल्म्स द्वारा निर्मित फिल्म हे इश्क वजह विषे अलग अलग क्षेत्रना अग्रणियों प्रतिभाव आप्या। है इश्क वजह ये मूवी दो कल्चर के ऊपर फिल्माई गई है, एक वेस्टर्न कल्चर और दूसरी इंडियन कल्चर के ऊपर। हम इंडियंस कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर के पीछे इतने भाग रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं जाने अनजाने बहुत सारी गलतियां कर चुके हैं और अंत में हमें सिर्फ पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलता। यही सोच को आगे लाने के लिए और हमारी भावी पीढ़ी को बचाने के लिए कंचन देवी फिल्म्स ने एक नई सोच को हमारे समक्ष में रखा है। कंचन देवी फिल्म्स बैनर के एथर हे इश्क वजह नाम की पिक्चर बनाई गई है। उसके प्रोड्यूसर है धनराज भाई आईडी, किशोर जोगी, सागर भानुशाली और रमेश नजर। हे इश्क वजह एक पिक्चर नहीं है लेकिन एक सोच है जो एक समाज को मैसेज देती है। और मैसेज वही है कि जो पाश्चात्य संस्कृति है उसके अटैक से जो भारतीय कल्चर है, जो इंडियन संस्कृति है, उसके जो असर होता है। ये एक फिल्म ही नहीं है, एक भारतीय संस्कृति को पाश्चात्य संस्कृति से कितना बड़ा नुकसान होता है। उसके साथ साथ एक HIV जैसी महामारी जो हमें कितना नुकसान पहुंचा सकती है, उसको उससे कैसे बचना चाहिए, ऐसी सोच इस पिक्चर में दिखाई गई है। मेरा इतना ही आपको एक संदेश है कि आप पिक्चर को ज़रूर देखें, क्योंकि एक कच्छ के हमारे कच्छ में से डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने साथ में मिलकर एक अच्छा साहस किया है और इस साहस को हमें उसे प्रोत्साहन देना चाहिए और साथ में ये पिक्चर ज़्यादा से ज़्यादा देखनी चाहिए, क्योंकि ये खाली पिक्चर नहीं है, ये मनोरंजन का साधन नहीं है बल्कि ये एक मैसेज है समाज के लिए कि हमारी लड़कियों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसका भी एक ज्ञान है। और साथ ही साथ में एक जो HIV जैसी गंभीर बीमारी है, उस बीमारी हमें हमारे लोगों में न फैले उसके लिए हमें क्या जागरूकता रखनी चाहिए, उसका भी एक मैसेज है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पिक्चर को देखें और इस पिक्चर को हम सफल बनाएं। ये जनरेशन गैप आ रहा है, क्योंकि मेरे पापा ने जो सिद्धांत में जिंदगी जी इतना मैं नहीं जी सकता, मैं जी इतना सिद्धांत से जिया इतना मेरा लड़का नहीं, लेकिन घर के संस्कार बहुत इसमें अहमियत रखते हैं। आप उसको छूट दे, वेस्टर्न कल्चर अपनाइए, मना नहीं कर रहे, थोड़ा छूट देनी चाहिए, ये जनरेशन गैप है, लेकिन अपने संस्कार अपनी संस्कृति को टिका कर चलना चाहिए। ये भारतीय एक ही माता, जो देश को हमको माता बोलते, भारत माता, किसी देश को हम माता नहीं बोलते। तो हमारा ऋषि मुनि की परंपरा है, पहले से आ रही है, तो उसको संभाले, संस्कृति को संभाले। ये पिक्चर अभी देखी नहीं है, देखेंगे, लेकिन ये पिक्चर में ये खास बताया है कि वेस्टर्न कल्चर के मात इतनी अंधी दौड़ मत करो और व्यसन से मुक्त रहो, क्योंकि ये सब संस्कार घर से आते हैं और कर्म से आते हैं। कोई ज्ञाति, कोई भी ज्ञाति हो, ज्ञाति से कोई वो जन्म से पैदा होता है, लेकिन कर्म से महान आदमी बनता है। तो अच्छे कर्म करो, सत्कर्म करो, ये पिक्चर देखनी चाहिए और वेस्टर्न कल्चर को आप इतना ही अपनाइए जितना जरूरी है।